हेलो भाई, मैं भवार स्कॉर्पियो है ना, मैंने आपको बहुत दिखा दिया ब्लैक कलर में, तो अब खुद आपको रोड पे दिख रही होगी। लेकिन आज की जो स्कॉर्पियो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना भाई, सच में बता रहा हूँ, आपने मेरे ख्याल से नहीं देखी होगी भाई, मेरे ख्याल से ही नहीं छोड़ो, मैं रियलिटी में आपने देखी ही नहीं होगी। एन को आज उन्होंने अलग ही लुक देने वाले हैं। अभी देखो इसके खोला पीटी लग रहे हैं भाई, इसमें ना दबा के नई गाड़ी को खुलवाना ना एक ओनर के लिए, मैं मतलब मुझे पता है यार, मैं भी इसको ऑन करता हूँ, कितनी बड़ी बात होती है। लेकिन कई चीज़ों को ना, ऐसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब हमारे इंसान के शरीर में भाई कोई दिक्कत हो जाती है, जैसे मान लो कुछ पेट में गड़बड़ हो गई, कुछ ऑपरेशन होना है, तब भी कुछ चीड़ी फाड़ी करना पड़ता है, कौन चाहता अपना शरीर कटवाना, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये काम आज करवाया जा रहा है, जो आज आप इस वीडियो में देखने वाले हो। तो थोड़ा डिटेल में देखना, देखो जैसे ऑपरेशन डॉक्टर करता है ना, ऐसे ही इसका पूरा सारा कुछ निकल रहा है लग रहा है, लेकिन सेफली लग भी जाएगा। एंड बताया जैसे शरीर का अपना सामान उल्टा लग जाता है, तो और जैसे उस पर रंग वगैरह करे, रंग तो अंदर नहीं होता, लेकिन जो जरूरत की चीज डालनी होती है तो वो वाली चीज जो होती है ना वो करनी पड़ती है। मैं कैसा वियर्ड से एग्जांपल दे रहा हूँ। तो भाई ये देखिए, आज की जो स्कॉर्पियो बन रही है ना, थोड़ी यूनिक बनेगी, बस देखते रहना, थोड़ा सा स्किप मत करना भाई वीडियो को। तो यहाँ पे पहले जो इसके पेंट कैलीपर हैं, इनको पेंट कर देते हैं, जो कैलीपर है सॉरी पेंट कैलीपर नहीं, इनको कैलीपरों को पेंट कर देते हैं, क्योंकि जो ओवरऑल लुक निकल के आएगी ना वो वॉशिंग के बाद ही निकल के आएगी। अभी वॉशिंग वगैरह हो गई ना, इसके बाद इस पर चलाते भाई मशीन। अभी इन मशीन का क्या काम होता है, ब्लैक कलर आप कभी भी ले लो शोरूम से, आते ही इतने स्क्रैच लग जाते हैं, तो पहले उनको मिटाना भी जरूरी है। एक दिन पुरानी गाड़ी पे किसी के भी देख लेना, स्क्रैच तो पाई जाएंगे, इसलिए इससे रबिंग कंपाउंडिंग जो भी आप बोलो, तो भाई ब्लैक कलर आप ले तो लेते हो, लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ, दो तीन महीने में ना अगर आप उस पर कुछ भी नहीं करवाते हो प्रोटेक्शन, जो आजकल की तारीख में चल रहा है, उतनी गंदी ओवर द टाइम दो साल में इतनी गंदगी लगने लग जाएगी ना गाड़ी की, आपको देख के लगा करेगा कि अरे इसको बेच खाओ और हमने नहीं लिया था। वॉशिंग भी हमें प्रॉपरली की जाती है भाई। और अभी जो मैं जिस स्टोर पे ये खड़ा हूँ, ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, ये है रेपोहोलिक, जो दिल्ली द्वारका में पड़ता है, पूरी कार मार्केट में जब भी जाता हूँ ना, दुनिया भर की गाड़ियां वहां पे लगी होती हैं, और दुनिया भर के भाई अभी इस गाड़ी पे लगे हुए हैं, इसकी ढंग से क्लीनिंग करने में, चाहे टायर्स हो, चाहे इसके अलॉय व्हील्स हो, चाहे इसका बोनट हो, धुल के आ चुकी है, कितनी मस्त चमक रही है भाई, अब इससे भी ज्यादा तगड़ी ये लगेगी। अब आप ये मत समझना कि ये इसको लेजेंडर बना रहे हैं इस गाड़ी को, क्योंकि लेजेंडर की जो छत होती है ना वो आपने देखा होगा मैट कलर की आती है, तो अभी इसकी छत पे ये लोग लगे हुए हैं, रैप चढ़ा रहे हैं, पीपीएफ चढ़ा रहे हैं, पता नहीं भाई। अरे नहीं 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 नहीं, अब आपको खुद ही समझ आ रहा होगा भाई, छत को तो ओनली नहीं कर रहे हैं लोग, कुछ और इस पे कर रहे हैं। तो अब बहुत भाई समझ रहे होंगे कि इस पे हुई भाई पीपीएफ, इस पे लोग पीपीएफ करने लग रहे हैं और मैट में, लेकिन नहीं भाई, मैंने आपसे क्या बोला था, वीडियो को इतनी जल्दी जज मत किया करो, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये पीपीएफ नहीं है, ये नॉर्मल मैट पीपीएफ नहीं है। तो बहुत भाई सोच रहे होंगे कि रैप चढ़ा रहे होंगे भाई, क्योंकि इस कलर का तो फिर रैप ही आता है भाई, ये रैप भी नहीं है, ये कुछ अलग ही चीज है, जो मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया ना कि आपने पहली बार ये आप देख रहे होंगे कि ऐसी चीज भी अब मार्केट में एग्जिस्ट करने वाली है। स्पेशली जो ब्लैक लवर होते हैं ना, जिनको ऐसे माफिया गाड़ी लुक पसंद होती है, जो रशिया में चलते हैं भाई, एसयूवी लुक है, एसयूवी गाड़ी है तो ब्लैक कलर की ऐसे माफिया टाइप होनी चाहिए, तो उनके लिए एक अलग ही चीज आई है भाई। देखो किस तरीके से चढ़ाई जाती है पानी छिड़को, और इसके बाद इसके ये जो होता है ना गुलाबी कलर का, ये मतलब इस पे कलर अलग अलग हो सकते हैं इसके, फिर इससे ढंग से लगे रहते हैं, और उसके बाद जो इसकी लुक निकल के आएगी ना, यू विल सीरियसली लव इट। तो स्कॉर्पियन में बहुत चीज लगती है, क्योंकि इसका मेटल पार्ट, इसकी जो बॉडी है ना बहुत बढ़िया है, बेशक प्राइस सेगमेंट में फॉर्चुनर से भी कम हो, लेकिन वैसे अगर आप बात करते हो तो भाई बहुत बड़ी इसकी जो ये बॉडी है निकल के आती है। अब चलो भाइयों सुनो, ऐसा करो आप लोग चढ़ाते रहे ना, हमको फाइनल लुक दिखा दो इस गाड़ी की, ठीक है ना। आपने बोनट वोनट पे हमको पता नहीं क्या झाग झूक देखने को मिल रहे हैं, कभी कुछ देखने को मिल रहा है, आप लोग चढ़ाते रहो, हमें प्रॉपर गाड़ी की लुक दिखा दो, चाहे कितने ही दिन लेना। तो भाइयों ने मेरे ख्याल से इसमें दो तीन दिन ज्यादा से ज्यादा लिए हैं, उसके अलावा फाइनल लुक की तरफ बढ़ते हैं भाई, को पसंद है ऑपरेशन होते हुए देखना, है ना, अपना फाइनल सर्जरी देखने में, ब्यूटी देखने में सबको मजा आता है। लेट स्विच टू प्रेजेंट, ये गाड़ी में जो इतना हम देख रहे हैं इतनी देर से, चार पांच मिनट से, एक्चुअल में हो क्या रहा है, रियल मुद्दे पे आओ, ऐसे मत पकाओ, फटाफट आते हैं मुद्दे पे। तो देखो भाई अभी बहुत दिन हो गए हैं, मतलब डिलीवरी होते होते ना 20 दिन स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी होते हुए चल दिए हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूं ना इंडिया की पहली इकलौती ऐसी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, जिसको ऐसे माफिया लुक पसंद है ना और वो ब्लैक कलर लेते हैं, अगर उनको एक और स्टेप ऊपर जाना है ना, तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सैटन ब्लैक मैट पीपीएफ। भाई क्या लुक दे रही है स्कॉर्पियो एन को, और मैं मिलवाने वाला हूँ आपके इसको प्राउड ओनर से, जो आदित्य अहलावत भाई हैं, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। और भाई आपको पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पहले प्राउड ओनर बने हो इंडिया में जिसने मैट पीपीएफ करवाई अपनी गाड़ी की। क्या पीछे का मेन मोटिव था कि इसको मैट करवा देते स्कॉर्पियो एन को, ब्लैक कलर तक आपको इस पसंद नहीं थी क्या कि यार ब्लैक कलर अच्छी नहीं लग रही? नहीं, ब्लैक कलर पसंद थी, पर इन्होंने जो ऑप्शन दिया ना कि मतलब एक
मैट भी जमेगा इसमें कलर। दो दिन कंफ्यूजन में था मैं, फिर भैया को फोन किया, इन्होंने कहा कि एक और ऑप्शन है मैट ब्लैक पीपीएफ सैटन ब्लैक, सैटन मैट ब्लैक। अच्छा देख लो प्रोडक्ट आपके। अच्छा अभी आप देखो, आपने जिक्र करा है कि आप दो दिन कंफ्यूजन में थे, है ना, अभी जब दो दिन बाद आप इसको देख रहे हो तो कैसा रिएक्शन है भाई, जेन्युइनली बताना थोड़ा। मतलब गजब ही लग रही है भाई की स्माइल, बता रहे पूरी की पूरी। देखो स्कॉर्पियो एन की रोड प्रेजेंस वैसे ही बहुत है, मतलब यार लोग ऐसे ही इसको मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, लेकिन जब ये गाड़ी अब रोड पे निकलेगी ना यार, क्या खतरनाक लग रही है। मतलब कैमरे से ज्यादा अगर मैं आपको एक्चुअल में बताऊं ना, मैं पहली बार इस गाड़ी को मैट ब्लैक में देख रहा हूं। अमेजिंग भाई अमेजिंग। मतलब वही बात है ना, मैंने बोला था ना कोई कोई गाड़ी मैट में बहुत तगड़ी लगती है, और जैसे थार हमने मैट करवाई थी वो नहीं जम रही थी, तो कलर के ऊपर डिपेंड करता है भाई। देखना मैं आपको ओवरऑल लुक दिखाता हूँ, क्या मस्त भयंकर लुक आ रही है इसकी। आजकल मैट का बहुत ट्रेंड चल रहा है, लेकिन मैट के ऊपर भी राहुल भाई कुछ और चीज लेके आए हैं। अभी बहुत भाई सोच रहे होंगे कि इस पर जो नॉर्मल मैट पीपीएफ हुई है, जैसे थार वगैरह पे हमने दिखाई है पहले भी, ऐसी हुई होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कोई चीज हुई है। अभी राहुल भाई एक्सप्लेन करो क्या इसमें अलग करा है। पहले जब हमारे पास आदित्य सर आए थे तो वैसे ग्लॉस पीपीएफ की इनकी रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, मैंने इनको मैट पीपीएफ दिखाई थी, लेकिन जब हमने मैट पीपीएफ दिखी, इन्होंने फाइनलाइज कर दी थी मैट पीपीएफ। अच्छा, उसी दिन हमारा एक इम्पोर्ट आना था सैटिन ब्लैक पीपीएफ का। पीपीएफ है ये, पहली बात तो ये पीपीएफ है, लोगों को लग रहा होगा रैप है। अभी राहुल भाई जो हम बातें कर रहे हैं सैटिन मैट ब्लैक पीपीएफ, जो इतना लंबा नाम है, मतलब प्रैक्टिकलिटी हम कैसे मान ले, गिमिक भी तो हो सकता है कि भाई ये इसी में आएगा। नॉर्मल पीपीएफ हम कर रहे तब भी वही वाली चीज आती, तो थोड़ा डिफरेंस वगैरह तो दिखाओ ना हमको। हम अभी आपको चार पीपीएफ के सैंपल्स दिखा रहे हैं और एक रैप का भी दिखाएंगे, जिसमें हालांकि ये गाड़ी अभी होनी है पीपीएफ, तो इस पे हम करके दिखा। ये क्या खोल के पटक रखी है पूरी एक्सयूवी, इस पे क्या हो रहा है, कैलिपर रेड हो रहे हैं और अंडरबॉडी कोटिंग है, और इस पे पूरी मतलब जो स्कॉर्पियो में हम देख रहे हैं रेड कैलिपर हो रखे, उसके लिए इतनी सब मेहनत लगती है ये सब प्रॉपर करने के लिए। ऐसा होता है क्योंकि हम स्प्रे कैन यूज नहीं करते, हम बॉडी पेंट यूज करते हैं, ऐसा काम भी नहीं करते कि आपका जो जब स्प्रे पेंट होता है तो उसका ओवर स्प्रे जो मतलब जो उड़ता है हवा में, तो वो आपकी गाड़ी पर ना बैठे, तो इसलिए अच्छा। हमें पूरा सब कुछ ऐसे कवर करना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोगों को लगता है छोटा सा काम है स्प्रे कैन ही तो मारना है, लेकिन वो ये है आपको दिख रहा होगा, इतनी मास्किंग जाती है हमारी, चार जैक पे खड़ी होते गाड़ी। अब बताओ भाई एक एक करके डिफरेंस देखो भाई, एक्स यूवी 7 डबल हो इसका ये जो मिडनाइट ब्लैक कलर आता है, ऐसे ब्लैक है नहीं कहीं से भी, ब्लू ब्लू दिखता है। तो ये चार तरीके की हमने यहाँ पे पीपीएफ लगा दिए हैं। अब देखो भाई डिफरेंस अभी हमारे सामने है, ये तो मैं समझ पा रहा हूँ जो नॉर्मल पीपीएफ जो सब करवाते हैं ये वही है ना, ग्लॉस फिनिश की पीपीएफ है, ग्लॉस ब्लैक पीपीएफ, ये दिखेगी आपको मैट पीपीएफ, मतलब आपको फिनिश में डिफरेंस दिख रहा होगा। ये अपना सैटिन ब्लैक रैप है, ये रैप है, ये रैप है, हाँ। ये अपना सैटिन ब्लैक पीपीएफ है जो हमने इस गाड़ी पे करी है। तो ये अलग अलग तरीके के पीपीएफ होते हैं भाई। अब आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए मैट पीपीएफ है, ये अल्टीमेटली इसकी इस कलर को इसने मैट कर दिया, लेकिन जो सैटिन ब्लैक है वो अल्टीमेटली सैटिन ब्लैक ही है, चाहे वो इस कलर पर भी लगी हुई है। और एक रैप में और इसमें डिफरेंस देखिए भाई, इसमें चमकता ही नहीं है रैप, और इसमें देखना मस्त लाइटिंग वाइटिंग के साथ बढ़िया हो रखा है, ये पता ही नहीं चलता जो पीपीएफ होते हैं कुछ चढ़ भी रखा है। फिर एक और चीज बताओ भाई, जब हमको मैट करनी है तो ये वाला हम रैप की तरफ क्यों ना जाएं, क्योंकि सस्ता भी पड़ता है ना रैप। देखिए रैप अगर आप एस्थेटिकली गाड़ी पे कोई चीज करा रहे हैं, रादर देन एक प्रोटेक्शन चूज नहीं कर रहे, क्या आप ये बोल रहे बस मुझे लुक चेंज करनी है प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, तब आप ऑप्ट करिए रैप को। जैसे आप रैप को उठा रहे हैं तो आप ये देखेंगे रैप में एक तो ऑरेंज पील आती है, आपको दाने दाने दिखेंगे, जिसको आप एयर फोर्स बोल सकते हैं कि कल को आप पील ऑफ करें तो ये एयर फोर्स इसमें काम आते हैं, लेकिन जब ये सरफेस पे लगता है तो इसमें एक आपको हल्की सी ऑरेंज पील का वो पता चलता है। पीपीएफ बिल्कुल प्लेन होती है, इसकी जो फिनिश होती है एक तो बहुत अलग होती है, ऊपर से इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है क्योंकि इसकी थिकनेस ज्यादा है, और ये बनी ही पीपीएफ का नाम है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, ये प्रोटेक्ट करती है रैप, बस ऐसे लुक लुक के लिए, प्योरली लुक्स के लिए। सेटिन रैप है, हमने रैप करे हैं। अच्छा ये रैप है, ये पीपीएफ है। हाँ जी, क्योंकि ये पीपीएफ नहीं बैठ पाती ना, वेट एप्लीकेशन होती है। हाँ। अभी एज टू एज बैठे हो क्योंकि ये रैप है। हाँ। डोर हैंडल इसके रैप है। अच्छा, पीपीएफ नहीं हो पाती अब, लेकिन आप देखेंगे डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी में। अब हम इनको ग्लॉस ब्लैक छोड़ देते तो गाड़ी अजीब लगती। वही तो भाई, मतलब मेन आप देखोगे ना ऐसे कोई बता ही नहीं सकता, मेरे तो अभी नोटिस गया जब आप बता रहे हो कि यहाँ पे रैप है। भाई ये क्या है मेन इसका बताओ, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि ये बबल्स जो छूटते हैं इनका क्या मेन रीजन रहता है। इन्हीं से तो आपको पता चलेगा कि ये पीपीएफ ही है। पीपीएफ एक वाटर एप्लीकेशन होती है, तो उसमें वाटर बबल्स रह जाते हैं। 5 to 10 days में हीट के थ्रू मेटल होता है गर्म होगा, वो खुद ही हील कर जाएगा और सरफेस बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, लेकिन वाटर एप्लीकेशन में वाटर बबल आते हैं, ये आप याद रखिए। कोई भी अगर झूठ बोलते नहीं होते हमारी एप्लीकेशन, आप मुझे बताइए किसी भी पीस के नीचे तक मॉइस्चर खत्म कैसे कर देंगे। जब कोई चीज पानी से अगर लगाई जा रही है आप कभी उसका मॉइस्चर नहीं खत्म कर सकते, चाहे आप कितनी फाइन एप्लीकेशन करें। और एक और चीज बताइए, जो एज स्पेस से ये पीपीएफ निकलने लग जाती है इसका मेन रीजन क्या रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये देखिए, सबसे बड़ी चीज ना पीपीएफ जैसी यहाँ पर टकिन है,
ठीक है, क्योंकि ये सब हमने अंदर टक इन हो सकते हैं ये पैनल्स। अब जैसे बम्पर्स हैं, हम बम्पर्स ओपन नहीं करते क्योंकि बम्पर्स की शेप जो होती है, बम्पर्स को जब आप खोलेंगे तो ये फैल जाता है प्लास्टिक, ठीक है। तो यहाँ पर ना एज कटिंग होती है, एज टू एज। तो अब मेन बात है, पीपीएफ का जो ग्लू होती है वो ऐसी होती है, कल को आप रिमूव करना चाहिए तो रिमूव हो सके और ये पेंट को साथ में ना लाए। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि आप उसको कैसे भी यूज करेंगे, रफ एंड टफ, या फिर आप उसका कपड़ा ऐसा मारते रहेंगे बार 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 बार, पीपीएफ उठनी ही नहीं चाहिए। वो उठी इस वजह से रही है कि उसकी ग्लू ऐसी बने कि कल को जब आप रिमूव करें तो वो रिमूव हो जाए और पेंट को खराब ना करे। इसलिए मना किया जाता है कि प्रेशर वॉश मत करिए एजेस पे, और जितनी बार आप एजेस पे ऐसे करते रहेंगे वो पीपीएफ उठ जाएगी। तो उसमें किसी की एप्लीकेशन की फॉल्ट नहीं होती, हमारी या किसी की भी एप्लीकेशन की फॉल्ट आपको एक दो दिन में, चार पांच दिन में पता चल जाती है। एप्लीकेशन की फॉल्ट आपको साल डेढ़ साल बाद नहीं पता चलती। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है आपने पहली ऐसा रिस्क लिया, वरना लोग ऐसे अब तो देखो वीडियो के थ्रू समझ जाएंगे कि कैसी लगेगी कैसी नहीं लगेगी। अब भाई ने पहली बार में रिस्क लेके करवाई है और भाई पे, राहुल भाई पे ट्रस्ट करवा करते हुए कि भाई ये अच्छी लगेगी थोड़ी सी सैटन मैट ब्लैक फिनिश में ना। अच्छा, ये तो किसी भी गाड़ी पे हो जाएगी फिर सैटन मैट ब्लैक फिनिश? तो किसी भी गाड़ी पे हो सकती है, गाड़ी को कैरी करना आना चाहिए। स्कॉर्पियो नो डाउट एक बुच गाड़ी है, मतलब एक माफिया टाइप कार है, इसका प्रपोर्शन वैसा है, इसलिए ये गाड़ी इतना इजीली कैरी कर रही है। हर गाड़ी पे हर चीज सूट नहीं करती। और आपका रैपोलिक्स नाम है उसमें, मेरे को लगता है रैप खत्म होता जा रहा है क्योंकि आप उसकी जगह पीपीएफ लेती जा रही है। सही है, देखिए रैपिंग में कभी फ्यूचर नहीं था, नो डाउट इलीगल लीगलिटी की वजह से, बट अब पीपीएफ ऐसे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं कि वो चीज लोग बाग वापस से करें। तो उसका नाम क्या पीपी होलिक्स रखोगे? नहीं नहीं, यही सही है नाम। अच्छा राहुल भाई, गाड़ी कितने की पड़ी आपको ये बताइए? 26 लाख की पड़ी है ना ये भाई की, डीजल मैनुअल है। और अब कितना इस पे खर्चा आपने ऊपर से करवाया है इस हाई लुक को बनाने के लिए, वो और बताइए भाई। ये देखिए 65,000 पीपीएफ का कॉस्ट है सैटिन ब्लैक का, जो फुल फ्लेज एसयूवी में ही आएगी है, फिर चाहे आपकी फॉर्च्यूनर हो, ये हो या एंडेवर हो, या कोई भी जो इतनी मैसिव साइज की गाड़ी है ये उसी में सेगमेंट में आएगी। उनका 65,000 प्राइस है। इन्होंने कितने दिन आपको अपनी गाड़ी से दूर रखा है? ये कह रहे थे इस वाले में टाइम लगता है, तो 3 दिन लगे। कंक्लूजन यही है भाई, अगर माफिया लुक चाहिए ना, एकदम ऐसे थोड़ा सा यूनिक लगना है, क्योंकि अब आपको पता है स्कॉर्पियन अब बहुत सारी दिखने लग गई है रोड के ऊपर, है ना, और लोगों का एक अभी 6 महीने तो एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ही। लेकिन और आपको डबल वाली चीज़ चाहिए ना, ऐसे लोग आके आपसे पूछे कि भाई क्या आपने करवा रखा है, तो आप इसकी तरफ जरूर से जा सकते हैं। देखो ग्लोस पीपीएफ भाई करवाने आए थे क्योंकि एक प्रोटेक्शन सबको ऐड करवानी होती है, प्लस डार्क कलर की गाड़ी में तो चाहिए भी है ना, क्योंकि स्क्रैच इतनी जल्दी आते हैं ना भाई कि बस पूछो मत ना। तो यहाँ पे एक प्रोटेक्शन भी आपको मिल रही है, प्लस एक अलग लुक आ रही है गाड़ी के निकल के, तो क्या घाटा है भाई इसमें। अब राहुल भाई, आप आदित्य भाई को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दो, क्योंकि देखो देखने में अच्छी लग रही है वो अलग चीज हो गई, मेंटेन करना मैट को ना इस अब रियल टास्क। सैटिन या मैट रैप या पीपीएफ जो भी है उसका आपको जो मेंटेनेंस होता है उसका कौन ही एक ये चीज है मेंटेनेंस, आपको सफाई करनी पड़ेगी ज्यादा, क्योंकि इस पे डर्ट ज्यादा दिखता है, अल्टीमेटली इंडिया है तो वो डस्ट ज्यादा आएगा। लेकिन इसका एक प्रॉस है, ग्लॉस पे स्क्रैच आ जाते हैं, मैट या सैटिन फिनिश पे आपको स्क्रैचेस विजिबल नहीं होते, क्योंकि अल्टीमेटली जो ब्लैक बेस है वो बेस ऐसे कि वो हल्का सा भी स्क्रैच विजिबल करा देता है। तो आदित्य भाई, आप तैयार हो मतलब फिर मेंटेन करने के लिए, साफ सफाई कर लोगे? कपड़ा मंगा लियो भाई घर पे एक पहले। राहुल भाई कहाँ पे मेरे को भी अपने, जैसे मैंने चलो व्हाइट कलर ले ली गलती करके, वरना अगर मैं ब्लैक लेता ना तो 100% यही करवाता मैं भी ना, ये सैटन ब्लैक मैट पीपीएफ जो है, तो कहाँ पे आना पड़ता भाई मेरे को ये बता दीजिए। मेन स्टोर है वो द्वारका में, रैपोलिक्स दिल्ली जो द्वारका में देख रहे हो, मेरी फ्रेंचाइजी है रैपोलिक्स फरीदाबाद की है। तो भाई के दो स्टोर है, एक दिल्ली में और एक फरीदाबाद में। अरे भाई थोड़ा सा एक्सपेंड और करवाना है किसी को तो उसका बता दो, किसी को रैपोलिक्स आगे बढ़ाना हो तो। हम अभी एक्सपेंशन मोड में अरुण भाई, तो कोई भी अगर अपना किसी भी स्टेट में ओपन करना चाहेगा रैपोलिक्स की फ्रेंचाइजी तो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर मिल ही रहा होगा वीडियो। तो ये थी भाई पूरी अपना स्कॉर्पियो एन सैटन ब्लैक मैट पीपीएफ, जो इस गाड़ी को बहुत तगड़ी लुक दे रही है, और भाई यहाँ से सेटिस्फाई होके जा रहे हैं ना। अब कोई भी भाई को कोई शिकायत, कोई दुख दर्द, कोई ऐसा डाउट वाउट नहीं रह जाएगा। और कितने फ्री आप दोगे ये बताइए पैनल इस गाड़ी के साथ ना, कल को मान लो अगर इसमें कहीं डैमेज हो जाता है तो कितने पैनल फ्री मिलते हैं 65,000 रुपये के अंदर? इस वाली गाड़ी में वही है, क्वार्टर पैनल अगर है तो सिंगल पैनल है, अगर आपका कोई दरवाजे हैं तो हम दो कॉम्प्लीमेंट्री पैनल दे सकते हैं। दो कॉम्प्लीमेंट्री हैं पैनल ना, अगर कल को लग जाती है तो पीपीएफ पे दो चढ़ा के देंगे, तो ये वाला आपको फायदा मिलता है, और जो प्रोटेक्शन मिल रही है स्क्रैच वगैरह से वो तो आपको बढ़िया वाली मिल ही रही है। तो वीडियो देने का बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, थैंक यू सो मच।